आइए दोस्तों, आज हम ये कॉटन है और यानी रुई, इससे हम जो पेंसिल से हमने की है शेडिंग, उसको बहुत अच्छी तरीके से कॉटन से शेडिंग करेंगे। ऐसे करते जाएंगे जिससे हमारी पेंसिल से खींची गई रेखाएं बहुत ही अच्छी शेडिंग हो जाएं। करते रहिए और बहुत ही सुंदर शेडिंग हो जाएगी, बहुत ही अच्छी शेडिंग यहाँ पर तैयार हो रही है। शेडिंग लगभग हो गई है कंप्लीट, शेडिंग हो चुकी है। ये है इरेजर यानी रबर। अब हम इससे सीनरी बनाएंगे दोस्तों, सीनरी नेचर पिक्चर। देखिए, इसको हमने ऐसे पतली सी नोक से खींची रेखाएं, ये बन गए इनके पहाड़। वाव, बेहतरीन पहाड़ बन गए हैं, है ना दोस्तों। पहाड़ों को हमने क्रिएट कर दिया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे जिससे हमारे पहाड़ सही तरीके से दिखाई दें। हमने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर बना रहे हैं हम सन यानी सूरज। सूरज को बना लिया है यहाँ पर हमने। ये देखिए, सूरज बन गया है हमारा, जो कि हमें बहुत अच्छी रोशनी देता है हमारे पृथ्वी पर, है ना बच्चों, अर्थ पर। चलिए अब बनाते हैं पक्षी यानी बर्ड। थ्री पक्षी बना दिए, ये यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ चित्र क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम। ये हमने बना दी झाड़ी, हरी हरी झाड़ियों का निर्माण कर दिया हमने यहाँ पर। ये बना दिया, ये है नदी, इसमें पानी भरा है। ये नाव बना दी हमने, और ये नौका है, ये नदी यानी नौका कहते हैं। ये हमने झोपड़ी बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, हाउस, है ना बच्चों। कितनी बढ़िया लग रहा है, इरेजर से हम सीनरी को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पर सीनरी लगभग बन के तैयार होगी। यहाँ पर ट्री बनाएंगे, पेड़, पेड़ बना दिया है। ये नदी है, इसको हमने आदमी को बना दिया है, एक आदमी को बैठा दिया है इस नौका पर यानी नाव पर। हमारी सीनरी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पर दोस्तों अब हम बादल बनाएंगे यहाँ पर। वाह, बन के तैयार होगी। हमारे चैनल के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, लाइक एंड शेयर भी जरूर करें।